सोलन में कोरोना के मामले बढ़ने से आम जनता के साथ साथ व्यवसायियों में भी भय का माहौल देखा जा रहा है। जहां आम जनता घरों से बेहद कम निकल रही है, वहीं व्यवसायी भी चाह रहा है कि सरकार को कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना मामले बढ़ने से व्यवसाय लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों की सरकारों ने सख्त कदम उठाते हुए लॉकडाउन लगाया है, तो इसी तरह प्रदेश सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है। सोलन शहर के व्यवसायियों ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्य सरकारों की तरह सख्त कदम नहीं उठाए तो काफी देर हो जाएगी और बाद में लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सही समय है, व्यवसायी भी उनके साथ हैं, इसलिए उन्हें प्रदेश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवसाय पहले ही कोरोना की वजह से खत्म हो चुका है, भय का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन से आम जनता, मजदूर वर्ग और छोटे व्यवसायियों पर अधिक असर पड़ता है, लेकिन कुछ दिन की हानि उठाने के लिए सभी तैयार हैं। देखो जी, व्यवसाय तो आज नहीं है तो कल हो सकता है। मेरा अपना कहना है कि आप जो कल लेट मत करो, आप इसको लॉकडाउन करो। हमने आपसे पहले भी ये रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ करो, तो अब वो आपने उस टाइम नहीं किया और अब किया कि आपने लोगों को एंट्री के ऊपर थोड़ा बैन चेक करना शुरू किया। क्यों नहीं करते आप? लॉकडाउन लगाइए। आपने व्यवसाय को 9 से 7 बजे तक खोला, कोई फायदा नहीं है। व्यवसाय में बिल्कुल ही कोई काम नहीं है सारी मार्केट के अंदर। रीजन इज कोविड। आप रिस्ट्रिक्शन लगाइए। आप आज नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे 100% आप कल लगाएंगे, तो इससे पहले आप आज ही लगाइए। जो हम भुगत रहे हैं वो अभी भी भुगतेंगे, वैसे ही बैठ के भुगत रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि आप व्यवसाय बाद में आता है, पहले जान आती है। जान है तो जहान है, और आपका काम बाद में भी चल सकता है। लॉकडाउन लगना चाहिए और टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, यानी जी मार्केट का टाइम इन्होंने 7 बजे किया है, जो उसका टाइम कम से कम 4 या 5 बजे के 9 से 5 तक होना चाहिए। व्यवसाय तो आजकल सही नहीं है, किसी का भी देखा जाए तो काम तो किसी भी मार्केट में कोई सही काम नहीं है। बड़े व्यवसाय वालों को बड़ा नुकसान है और छोटे व्यवसाय वालों को भी उतना ही नुकसान है। उनका जो व्यवसाय है इस टाइम तो बिल्कुल ठप हो चुका हुआ है, और काम तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है, जो नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल डे से भी बिल्कुल नॉर्मल है। इस टाइम तो व्यवसाय तो बिल्कुल ठप हो चुका हुआ पूरी तरह से। देखते हैं अब हिमाचल सरकार का क्या फैसला होगा इसके बारे में, जो भी है। वैसे संडे और सैटरडे तो वैसे ही लॉकडाउन है, और 7 बजे तक तो मार्केट बंद हो जाती है। सुबह 9 से 7 बजे की टाइमिंग है, जिसमें 10 बजे दुकानदार दुकान पे आता है और शाम को 7 बजे चला जाएगा, 7 बजे बिल्कुल बंद हो जाएगा। बाकी आवाजाही तो चलती रहती है मार्केट में थोड़ी बहुत जो भी है, पर लेकिन आजकल तो लोग भी समझदार हो चुके हो, क्योंकि 2020 से चला हो कोरोना वायरस, तो उसमें अब लोग थोड़ी सेफ्टी कर रहे हैं अपनी भी। बाकी लॉकडाउन अब सरकार जो करेगी वो देखते हैं क्या होता है। हमारी व्यक्तिगत राय तो अगर देखते हैं इसमें, तो गरीब आदमी जो हल्का नॉर्मल दुकानदार है उनको प्रॉब्लम होती है, और तो जो मेन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जो दिहाड़ी वाले मजदूर है उनको प्रॉब्लम आएगी।